ओके यस, सो यूनिट 4 दैट इज योर केस स्टडी इन मार्केटिंग. सो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है इम्पोर्टेंट सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द केस स्टडी, एडवांटेजेस ऑफ द केस स्टडी, देन डेवलपिंग अ केस स्टडी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड द सिक्स्थ वन. इतने क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं, है ना, ऑफलाइन के लिए. चलो, सो केस स्टडी जनरली कैसे डिराइव हुआ है. अब अपने को केस स्टडी होती है मार्केटिंग रिलेटेड कि हम लोगों को कैसे करना है, जब भी न्यू प्रोडक्ट जब भी हम लोगों को डेवलप करना होता है या क्या, तो हमारे पास काफी कुछ. सो यहाँ पे सबसे पहले ये भी चीज बताइए कि एक केस स्टडी कैसे डेवलप की जाती है और किस तरीके से सॉल्व की जाती है. जैसे आप लोग देखते हो, आप कहीं पे भी डॉक्टर के पास जाते हो, राइट, फिर वो पूरा पूछता है आपसे कि आपको क्या हुआ है, वो पूरा केस बनाता है ना, क्या हुआ है आपको, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, सर में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझे, ठंड लग रही है, नहीं लग रही, तो ऐसे सब चीजें पूछता है पर्टिकुलरली, ठीक है, फिर वो चेक करता है, तो पूरा केस रेडी होता है और उसके बेसिस पे वो क्या करता है, वो चेकअप करता है और फिर पूरे दवाइयां ये वो सब चीजें आपको देता है, उस तरीके से ट्रीटमेंट करता है, मतलब आपका पूरा क्या करता है, जैसे डॉक्टर डायरेक्टली नहीं, बट जैसे ही आप किसी क्लिनिक पे जाते हो या क्या, तो वहां पे वो लोग है ना पूछ लेते हैं कि भाई आपको क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो एक हम लोगों को पता चल जाता है और उसके पर्टिकुलर चीज के ऊपर ही सब दवाइयां ये सब चीजें दी जाती है. तो ये केस स्टडी का जो पैटर्न है वो कैसे डेवलप हुआ है, फ्रॉम द मेडिकल, ठीक है, मेडिकल साइंस से डेवलप हुआ है. जिस तरीके से डॉक्टर्स केस स्टडी सॉल्व करते हैं आए दिन, उनके पास तो कितने सारे केसेस आते हैं, राइट, सो उनको एनालिसिस करते हैं, देखते हैं. ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर अकेला ही डिसीजन ले लेता है, राइट, काफी बार कुछ ऐसे केसेस में काफी बार एक्सपर्ट्स ओपिनियंस लेना पड़ता है पर्टिकुलरली, फिर एक ही के साथ दूसरी भी बीमारियां होती है, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो भी केसेस वगैरह आते हैं तो उनमें तो जनरली क्या होता है, एक्सपर्ट्स, हर एक के, किडनी एक्सपर्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, देन नी स्पेशलिस्ट, राइट, तो ऐसे सब स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट से भी ओपिनियंस लिया जाता है, देन अगर कुछ ज्यादा ही है तो MD वगैरह से ओपिनियन लिया जाता है, उसके बाद फिर पूरा वो लोग केस को स्टडी करते हैं कि क्या है इनके बॉडी में, और फिर वो पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन रेडी करते हैं, हमको कौन सी दवाइयां देनी चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हम लोगों को सब कुछ सब बताते हैं हम लोगों को, राइट. सो ये पूरा जो केस स्टडी का जो चीज डेवलप हुआ है वो डेवलप हुआ है फ्रॉम द मेडिकल साइंस, ठीक है. सो अब सबसे पहले आते हैं कि अब यहाँ पे आपको जो केस स्टडी है वो है मार्केटिंग में, ठीक है. सो मार्केटिंग में किस तरीके से केस स्टडी की जाती है, कैसे सॉल्व की जाती है. अब जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि अभी अपने को अगर वीवो या ओपो रूरल एरियाज में लॉन्च करना हो, फॉर एग्जाम्पल वीवो के फोन्स या ओपो के फोन्स या MI के फोन्स अगर मुझे रूरल एरिया में लॉन्च करना हो, सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, देखेंगे कि कंपनी क्या है, किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन वगैरह देखेंगे, रूरल एरिया के बारे में हम लोग हर एक कंज्यूमर बिहेवियर वहां का हम लोग पूरा सेट करेंगे, पूरा क्या करेंगे हम लोग सारा एनालिसिस कर रहे हैं, और फिर हम लोग सोचेंगे कि भाई हम लोग बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं, कैसे बेचेंगे, क्या प्राइसिंग होगा, वो पूरा एनालिसिस करते हैं. सो इसी तरीके से बहुत बार बहुत सारी चीजें की जाती है. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले जनरल मीनिंग केस स्टडी क्या है, ठीक है. सो इन द बिजनेस वर्ल्ड द वर्ड केस स्टडी इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. A case represents the actual situation, right? So generally, case means description of an actual situation commonly involving a decision, a challenge, an opportunity, or an issue faced by a person or the persons in an organization. तो कुछ भी हो सकता है, कोई decision related हो, कोई challenge हो, कोई, क्योंकि अब companies में तो क्या होता है, आए दिन कुछ ना कुछ challenging चीजें होती रहती है क्योंकि कंपटीशन इतना है, देन कोई अपॉर्चुनिटी हो या फिर कोई इश्यू फेस कर रहा हो, तो उसके रिलेटेड
सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, और उसी डिस्क्रिप्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, केस, सिंपली, ठीक है। सो द केस स्टडी मीन्स इट्स द स्टडी ऑफ एक्चुअल सिचुएशन। सो एक्चुअल सिचुएशन कैसी है, क्या है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं हमारे सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए हुए कि केस स्टडी के, तो जनरली द ऑब्जेक्टिव स्टडी, तो कुछ ना कुछ पीछे कुछ प्रॉब्लम होती है और उसका ही हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सॉल्यूशन निकालना, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए दिन आती रहती है। अब जैसे डॉक्टर भी तो क्या करता है, बीमारी है तो प्रॉब्लम है ना वो चीज, तो ऐसे ही इसी तरीके से मार्केटिंग में भी। अब से फॉर एग्जाम्पल ये जो मैगी है या फिर जो शैम्पूज आते हैं, वो लोग सोचते हैं कि यार ये हमारा शैम्पू क्यों नहीं रूरल एरिया में बिकता है, वॉट इज द एक्चुअली इशू, वॉट आर द प्रॉब्लम्स। सो उस प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते, जिसको हम लोग बोलते हैं केस स्टडी, ठीक है। सो इस तरीके से आया जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, सो हम लोग एनालिसिस करके उसका सोल्यूशन निकालते। फिर आपने देखा कि शैम्पू के छोटे छोटे सैशेस निकाले गए कि हाँ, तब उनको पता चला कि रूरल एरिया में ये प्रॉब्लम है, इतना महंगा, इतनी बड़ी बॉटल वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं, वो लोग पुराने टाइम से ही वो सोप ही यूज करते हैं हेयर वॉशिंग के लिए, तो उनको महंगा भी पड़ता है ये सब चीजें। तो वो सब चीजों को अंडरस्टैंड उन्होंने किया एक्चुअल सिचुएशन को, और फिर ताकि जितने भी शैम्पूज की कंपनी, उन्होंने छोटे छोटे सैशेस निकाले, राइट। सो ये सब चीजें किया जाता है मार्केटिंग के अंदर, तो पहले ये सब चीजें की जाती है, क्योंकि आपको अगर रूरल एरिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या उस किसी भी एरिया में लॉन्च करना हो, तो आप देखोगे ना कि आपका प्रोडक्ट वहां पे सेल क्यों नहीं हो रहा है, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केस स्टडी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव तो है ही, बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ केस स्टडी इज टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। सो बहुत सोच समझ के, ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल पर्सन, बहुत एक्सपर्ट्स लोग इस चीज को करते हैं, बिकॉज कंपनी है सामने और कंपनी का इतना सारा पैसा लगा हुआ है, इतना सारा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सोच समझ के किया जाता है ये चीज, तो ठीक है। तो बहुत एक्सपर्ट्स भी काफी बार अपॉइंट करने पड़ते हैं हम लोगों को। तो जनरली इन शॉर्ट, केस स्टडी इज इन बिजनेस यूनिट इज एन ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम arised in the business domain. फिर analytical approach, क्या बता रहे हैं, analytical, क्योंकि complicated issues भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है खाली normal सा ही हो तो चलो ठीक है, but बहुत complexity वाले cases भी आते हैं, काफी बार बहुत सारी ऐसी problems होती है जिसको बहुत सोच समझ के solve किया जाता है, तो उसके लिए बहुत mental ability काफी अच्छा होना चाहिए, IQ level अच्छा होना चाहिए काफी। तो जो भी पर्टिकुलर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिनेंशियल रिलेटेड, या मार्केटिंग रिलेटेड, या फिर कोई एम्प्लॉय रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हर एक प्रॉब्लम का देखो ऐसा तो नहीं है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हम लोगों को पूरा एनालिटिकली सोचना पड़ेगा, पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, ऐसा चीज। जैसे एम्प्लॉयज का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया, सो दैट इज द इशू, एंड दैट इज वाई प्रोडक्शन हमारे उस चीज पे असर पड़ रहा है, कि प्रोडक्शन स्लो हो गया है, ऐसा क्यों हुआ, वाई, राइट। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट उस चीज के ऊपर बोलेगा कि क्या हुआ है ऐसा एम्प्लॉयज के साथ, सो इस चीज के ऊपर पर्टिकुलरली क्या किया जाएगा, पूरा स्टडी किया जाएगा, क्यों ऐसा हुआ, एम्प्लॉयज का बिहेवियर क्यों चेंज हो गया, सैलरी तो टाइम पर हो रही है या क्या हो रहा है, वट इज द इशू मेन, क्या है प्रॉब्लम। सो वो सारा सब प्रॉब्लम्स को क्या किया जाएगा, एनालिटिकली एज अ ह्यूमन बीइंग सोच के भी हम लोग देखेंगे, और प्लस बहुत सारी इवन कैलकुलेशंस भी होती है काफी बार, ठीक है। तो ये तो जस्ट मैंने एक एम्प्लॉयज रिलेटेड बताया, उसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। यार मैं एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, हमारी कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेप्सी कंपनी, अब पेप्सी कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, पेप्सी कंपनी प्रमोशनल चीजें कर रही है, तो भी उसकी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही है, तो कंपनी टॉप लेवल पूछेगा इस चीज के ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है भाई। सो
मैनेजर्स और इन सबको क्या करना पड़ेगा, पूरा स्टडी करना पड़ेगा इस चीज के ऊपर. टॉप लेवल बोलेगा लाओ क्यों ऐसा हो रहा है, वाई, व्हाट इज द इशू, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हम तो इतना खर्चा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही है. ठीक है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे उस चीज का, जानेंगे वजह, जानेंगे पीछे की. सो बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल सिचुएशन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं पूरा. ठीक है, सो होल इशू जो भी होगा उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने तक हम लोग एनालिसिस करते रहेंगे. पर ऐसा नहीं है कि एक ही व्यू पॉइंट से स्टडी किया जाए, क्योंकि देखो आज मेरा सोचने का तरीका इस पर्टिकुलर चीज को अलग होगा. आई थिंक सो कि कोका कोला ने कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट निकाला हो या उसने ऐसा कुछ प्रमोशनल चीज निकाला हो तो हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया हो while determining our advertisement or while deciding the promotional schemes. So मैं ऐसा सोच रही हूँ. आप लोगों में से कोई होगा, see for example श्रेया अलग तरीके से सोच रही है कि नहीं मैम इस तरीके से नहीं, आई थिंक ये चीज हो सकती है. सो द एक्चुअल सिचुएशन को हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या है, सीन क्या है भाई. सो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट होते हैं. तो केस स्टडी के अंदर ये सब आता है कि स्टडी फ्रॉम द वेरियस व्यू पॉइंट. पर एक एंगल से समझो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एंगल. एक ही एंगल मतलब ऐसा समझते हम लोग कि भाई ये एक्सपर्ट नहीं है और ये बच्चों जैसा काम कर रहा है. एक्सपर्ट्स और केस स्टडी को सॉल्व करना बहुत बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली टास्क होता है. तो सब चीजों को हम लोगों को कंसिडर करके चलना पड़ता है. सो जैसे अब फॉर एग्जाम्पल क्या होगा पर्टिकुलरली, जैसे ग्लास है. ठीक है, अब ग्लास है हाफ, उसमें पानी भरा हुआ है, राइट. सो कोई लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज द हाफ ग्लास ऑफ वाटर, और बोलेंगे ये आधा ग्लास पानी आधा ग्लास खाली है. मतलब हर किसी का बोलने का सोचने का तरीका अलग अलग होता है ना. सो हम लोगों को भी जो केस एनालिसिस करना है वो हर एक डिफरेंट एंगल से करना है. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया कि हाफ द ग्लास इज फिल्ड विद वॉटर, इट कैन बी सेड दैट हाफ द ग्लास इज फुल, आधा ग्लास फुल है. एंड इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट हाफ ग्लास इज एम्प्टी, भाई आधा ग्लास ही फुल है आधा ग्लास एम्प्टी है. तो अलग अलग व्यूज होते हैं ना, तो इस तरीके से हम लोग हर एक व्यू को पढ़ना का, पढ़ने का, समझने का. फिर स्टडी बाय मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा जने को कंसिडर करना पड़ता है एनालिसिस में. एक जना कंसिडर नहीं होता है, पूरी टीम होती है जनरली. जैसे डॉक्टर्स में भी आप लोगों ने देखा है क्या एक ही डॉक्टर होता है, नहीं, पूरी टीम होती है, चार पांच जने होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं. यहाँ बाहर से भी डॉक्टर मंगवाना पड़ता है कभी कभी कोई केस में. तो सो मोर देन वन पर्सन का हम लोगों को ओपिनियंस लेना. देखो नेक्स्ट वही बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स ओपिनियन. एक्सपर्ट्स ओपिनियन काफी बार कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि हम लोगों को एक्सपर्ट को मंगवाना पड़ता है इस चीज के ऊपर. ठीक है, फिर है लॉजिकल थिंकिंग, बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है, ऐसे मस्ती में नहीं लेना होता ये सब चीजें, क्योंकि करोड़ ऑफ रुपीज का इन्वेस्टमेंट होता है इस चीज के ऊपर. तो थोड़ा सोच समझ के लॉजिकली हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ता है. देन वेरियस ओपिनियंस आर देयर, सो हम लोगों को व्यू देखना पड़ता है कि भाई ये ओपिनियन सही है या ये ओपिनियन सही है, किससे सॉल्यूशन फाइंड आउट हो सकता है. सो ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है. एंड देन स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. अब मेरे पर्टिकुलर से फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, पेप्सी कंपनी की सेल्स डाउन हो गई ये मंथ्स में. ठीक है, और मैं एनालिसिस कर रही हूँ उसको मार्च अप्रैल वाले मंथ में. क्या मतलब का, जब मेरी सेल्स इस मंथ में डाउन हुई तो मैं उस मंथ में क्यों एनालिसिस करूंगी. तो उसी टाइम पीरियड पे एनालिसिस होना चाहिए भाई, समझे. फिर नेक्स्ट आ रहा है कि स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंट चल रहा है, उस एनवायरमेंट को भी हम लोगों को कंसिडर करना है कि उसी एनवायरमेंट में हम लोगों को ध्यान रखना है, हर एक चीज को कंसिडर करके चलना. देन स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, सो नॉलेज ऑफ आईटी, प्राइमरी लीगल नॉलेज, सब टेक्निकल नॉलेज हर चीज का होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस रिलेटेड. फिर इट्स कनेक्टेड विद द पास्ट एंड प्रेजेंट. मतलब पास्ट में तो ऐसा चीज नहीं हुआ कभी, अब ये टाइम पे ऐसी सेल्स क्यों डाउन हुई, व्हाई. तो हम लोगों को दोनों चीजों को कंसीडर करना, मतलब पास्ट में तो कोई मिस्टेक नहीं हुई हम लोगों से, या पास्ट में कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से सेल्स अब भी डाउन हो रही है. सो पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों सिचुएशंस को कंसीडर करना पड़ता है हम लोगों को. एंड इट शुड बी इन द रिटन फॉर्मेट. सो रिटन आपने देखा नहीं है,
पूरा देखा ना, पूरा केस फाइल बनता है एक पेशेंट का, कैसे पूरा केस फाइल बनता है। इसी तरीके से हम लोग क्या ओरली थोड़ी करेंगे, हम लोगों को सब पॉइंट आउट लिस्ट आउट करते जाना कि भाई ये चीज है, ये चीज हुई, हर एक व्यू पॉइंट हम लोग देखेंगे करेंगे कि भाई नन्नी क्या बोल रही, निखिल क्या बोल रहा, अजील क्या बोल रही। तो हम लोग हर एक व्यू पॉइंट को देखेंगे और लिखते जाएंगे, हाँ भाई ये चीज है, समझे। तो इस तरीके से पूरा केस स्टडी किया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप लोगों को करना चाहिए, आपके बुक के अंदर भी डाबर का देन टूरिज्म रिलेटेड बताया हुआ है, ठीक है। सो मैं आज एक साथ में केस स्टडी भी आपकी ले रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिल सके। तो मैंने जैसे एक ऑब्जेक्टिव रिलेटेड और केस स्टडी रिलेटेड बताया, अब मैं प्रैक्टिकल पे आ रही हूँ। एक हम लोग वो पढ़ते हैं कि क्या है कैसा है, ठीक है। सो वेरी इजी, जो आपको पता है दैट इज अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सो जैसे हाउ कुड रसना रीच द रूरल एरियाज, सो कैसे रसना पहुंचा रूरल एरियाज में, तो उसका पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। सो दैट इज FMCG, राइट। सो यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी प्लीज पेज ओपन कर देना, ओके। तो इसका केस पढ़ते हैं हम लोग पूरा के, कैसे रसना पहुंचा, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी टेस्टेड ऑल द बेवरेजेस राइट फ्रॉम द ओल्डेस्ट ड्रिंक दैट इज अ छाछ, बटर मिल्क, राइट, इवन रसना सॉफ्ट ड्रिंक्स कॉन्सेंट्रेट इन द डोमेस्टिक कंपनी, अ प्राइड ऑफ अवर कंट्री हैज वन द हार्ट्स ऑफ द एवरीबॉडी इन एवरी हाउस। हम लोग सब लोग रसना पीते हैं, समर्स आता है और हम लोग रसना रसना एडवर्टीजमेंट देखते हो आप, कितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट वगैरह आती है। इवन अभी तो सब ग्लूकोज ये वो सब की जगह पे हम लोग रसना वगैरह पीते हैं। सो इट हैज मेड इट्स नेम इवन अगेंस्ट एग्रेसिव इन्वेशन ऑफ द पेप्सी एंड अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स। मतलब पेप्सी वेप्सी तो भूल जाते हैं हम लोग, रसना अपने को मिला मतलब बहुत अच्छा, उसमें गैस भी नहीं होती है, इवन काफी अच्छा भी रहता है, टेस्ट भी अच्छा रहता है, बच्चों को भी मजा आता है बड़ा। तो रसना अगर हम लोगों को, आप ऐसे सोचो कि हम लोगों को अगर रूरल एरिया में उसका सेल करना हो तो कैसे करें, दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। तो रसना के लिए ये चीज चैलेंजिंग रही होगी। सो बिकॉज ऑफ इट्स अफोर्डेबल प्राइस एंड स्पेशल क्वालिटी एंड टाइम टू टाइम चेंजेस एंड इन एडिशन इन सीरीज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, सो डे टाइम बाय टाइम चेंजेस रसना में आते गए, हम लोगों ने देखा। सो सच एंटरप्राइज डू नॉट गेन सक्सेस ओवरनाइट, रातों रात सक्सेस तो नहीं हुई ना भैया रसना की, टाइम लगता है हर चीज। सो हार्ड वर्क ऑफ द जनरेशन इज लाइंग बिहाइंड इट, द पारसी कम्युनिटी इज नोन फॉर इट्स एंटरप्रेन्योरशिप, फिरोजशाह संबाद एस्टैब्लिश इंपीरियल सोडा फैक्ट्री इन अर्ली 20th सेंचुरी, तो जिसने रसना एस्टैब्लिश की तो यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है, दैट इज पारसी, ठीक है, पारसी कम्युनिटी के थे वो। तो अर्ली 20th सेंचुरी में ये चीज स्टार्टअप हुई। ही नेवर हैड इमेजिन that his enterprise Rasna would turn into India's number 7th brand, sold at the cheapest price. So after Piroz Shah, his son Aris Khambata became the chairman of the company. After long experience of the years, he has come to know the conclusion that in India, people need instant and cheapest soft drink. So unko pata chala bhai, ab India ko yun chahiye. एक मतलब 2 मिनट में बन जाए, जैसे 2 मिनट में मैगी बनती है, इस तरीके से भी 2 मिनट में बन जाए और चीप भी हो, ठीक है, ऐसी चीज हम इधर के लोग प्रेफर कर रहे हैं। सो इन 70s दे हैड इंट्रोड्यूस सॉफ्ट ड्रिंक ज़ाफे व्हिच हैड बीन पॉपुलर, वहां वो पर्टिकुलर पॉपुलर हुआ, येट द कंपनी डिड नॉट डायरेक्टली एंटर द सॉफ्ट ड्रिंक कंसेंट्रेट मार्केट। But in 1985, Rasna entered with a great enthusiasm in market. That ad, I love you, Rasna. So, इस तरीके से हम लोगों ने advertisement हम लोग देखते हैं ना, became the talk of every house. So, 32 glasses could be made for 5 rupees only. 5 रुपए में 32 glasses बन सकते, पूरा एक जग, वो पूरा एडवर्टीजमेंट भी ऐसा दिखाते थे और हर एक बच्चा इसी तरीके से बोलता था आई लव यू रसना। सो ऐसी एडवर्टीजमेंट वगैरह के साथ स्टार्टअप किया गया। सो सच सॉफ्ट ड्रिंक शो द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट, पूरे मार्केट हिला डाला इसकी वजह से। सो टू मेक द प्रोडक्ट्स पॉपुलर एंड सेल देम इन द मार्केट, चिल्ड्रन वर इन द सेंटर इन ऑल देयर एड्स लाइक द एड ऑफ रसना। सो सबसे यहाँ पे फोकस किसको गया था, चिल्ड्रन।
So the credit goes to the Piroz Khambhat, the young chairman and the managing director, who has been honored with the award, Dadabhai Navroji Award for the young entrepreneur. So particularly, ye pura credit kisko jata hai? So that is the young chairman of Rasna, ye company ka, Piroz Khambhat. So unko young entrepreneur ka award diya gaya. And one international recognition also. There's a large middle class in India, we all know. So their aim was to make the product for all, from pauper to the prosperous. Matlab chote se chota, bade se bada, har kisi ko ye product milna chahiye aur acha lagna chahiye. So we have made Rasna successful brand by adding various flavors, jaise orange, lemon, aise alag-alag flavors. Even beech mein dusre flavors bhi aa rahe the. Jaise uska kya bolte hai apne guava ka flavor aaya hua tha. Aise bahut sare flavors add up kiye gaye and making continuous change in the product. So they have considered health aspect also. Jo main aapko bol rahi thi ki glucon D aisa karke bhi glucose wo nahi but rasna se aapko energy bhi milegi, sab cheeze hogi. To ye sab cheeze concentrate ki jati thi even. So it has been made available to all from the rags to the riches. So relaunching formula is their specialty. They have constantly made changes in the product and relaunched it. Besides Rasna 32 glass, not only Rasna concentrate, but also Rasna juicer, milkshake, Rasna candy, Rasna pickles, Rasna fruit boosters. So inke saath saath mein bahut sari dusri new products ko bhi launch kiya gaya are sold. Rasna has entered international market very speedily with the Rasna orange oil, fruit cordial, rose syrup, Rasna peanut butter, Rasna pickle, Rasna curry, Rasna cook fat salt. Aise sare products aapne sune hain, but ye international market mein chalte hain Rasna. So Mr. Piroz Khambhat believes that anyone who comes out of successful tradition of production and will enter market with the new products only will be benefited in the market. So tradition आपको फॉलो करना पड़ता है. कभी भी सक्सेसफुल लाइफ में होना पड़े तो पर्टिकुलर एरिया में क्या ट्रेडिशन है, अगर आपको वो पता है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो. सो रसना लाइट लो कैलोरी ड्रिंक, रसना जैम, रसना फ्रूट स्क्वैश एक्सेट्रा आर इट्स स्पेशलिटी एंड द न्यू प्रोडक्ट्स. टू न्यू प्रोडक्ट्स दैट इज रसना ग्लूकोन डी एंड द रसना फ्रूट प्लस आर इन द मार्केट. So the price of small and medium packet is 5 rupees to 30 rupees, which is for urban area. But for rural market, small sachets are in demand, and its price is from rupees 1 to 2. 1 rupee ko itna chhota sa sachet, ek glass ban jayega uske andar se pee jao, itni energy aa jayegi hum logon ko. So aise sab cheezon ki advertisement, aisa sab pricing rural area ke liye. So due to the speedy development of the rural areas, companies marketing activities more in rural area than in urban area. Iski marketing sabse kyunki urban area mein khasa popular ho gaya, but rural area mein popular karne ke liye bahut zyada activities, marketing activities ki ja rahi thi. So soft drink Rasna is ISO 9002 certified, matlab even standardized bhi hai quality, and holds 80% market share of the country soft drink market. So company has opened 5 regional offices all over the India. Company has 35 warehouses in various states, which 2500 stockists in districts and the small towns. 108 million retailers and more than 50% retailers are in rural areas. 50% retailers rural areas mein. So the company contacts retailers, NGOs, hawkers, etc. to sell its product in the market. Its product has reached far and wide in the country. So it is available in every corner of India. It exports its products in 40 countries of the world. 40 se zyada country mein bhai. So Shri Piroz Khambhat expects 40% growth of the company and exports 50 to 60% growth in the rural area. Export, matlab ye na exports nahi aayega,
एक्सपेक्ट्स वो आएगा पर्टिकुलरली, भाई रूरल एरिया में 50-60% ग्रोथ चाहिए काफी अच्छे लेवल पे, ठीक है. सो दिस इज हाउ एक्चुअली द रसना रूरल एरिया में पहुंच पाया. देन ग्लूकॉन डी फ्लूट प्लस की मार्केटिंग वगैरह न्यू प्रोडक्ट्स जो है. सो किस तरीके से देखो आप सक्सेसफुल पॉपुलर ब्रांड बनना कोई आसान बात नहीं है आज के टाइम पे. आपने सुना होगा जैसे मिल्कमेड, राइट? सो मिल्कमेड लॉन्च किया नेस्ले ने, अब उसी को कंपटीशन देने के लिए, बिकॉज ये तो चीज क्या हो गई मार्केट में मोनोपोली जैसा काम हो गया नेस्ले का ही सिर्फ मिल्कमेड. अब मिल्कमेड कैसी चीज है, मोस्ट ऑफ मिठाई वाली चीजों में पड़ता ही पड़ता है मिल्कमेड, राइट? बहुत सारी मिल्कमेड से कितनी सारी चीजें बना सकते हो. सेम एज इट इज अमूल मिठाई मेड करके प्रोडक्ट मार्केट में ले आया. सो ये सब चीजों के लिए, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या थ्रेट है, क्या चैलेंज हम जो बोल रही हूँ मैं थ्रेट वगैरह, क्या अपॉर्चुनिटीज है. तो वो अपॉर्चुनिटीज को कैसे एक्वायर करना है फास्ट, दूसरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं करते, मैं उस पर्टिकुलर चीज को कर दू या क्या. तो इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते पूरा एक्चुअल सिचुएशन. सो सिर्फ प्रॉब्लम्स रिलेटेड ही नहीं, इवन बहुत सारी चीजों रिलेटेड केस स्टडी किया जाता है. जैसे मैं आपको, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि अगर मेरे को वीवो ओप्पो और एमआई के फोन्स का लॉन्चिंग करना हो मुझे रूरल एरिया, तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग अपना सकते हैं, कैसे हम लोग, बिकॉज दिस इज द चैलेंजिंग टास्क फॉर द वीवो ओप्पो एंड एमआई, राइट? सो ये चैलेंजिंग चीज है कि रूरल एरियाज में स्मार्टफोन्स, मैं जानती हूँ कि आजकल काफी हो चुका है स्मार्टफोन्स का, बट इतना भी उसका मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं हुआ है जितना अर्बन एरियाज में लोग, बिकॉज देखो आपको पता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है भाई, कैमरा क्वालिटी अच्छी है, म्यूजिक अच्छा है, सब चीजें अच्छी है, सस्ता भी पड़ जाता है. बट अब प्राइसिंग हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा अगर हम लोग रूरल एरिया में बेच रहे कर रहे हैं, या फिर हम लोग वीवो ओप्पो कंपनी को स्मार्टफोन्स अगर बेचने हो रूरल एरिया में तो उनका प्राइसिंग कैसा होगा, कुछ फीचर्स कैसे होंगे नए तरीके से जो लोग अट्रैक्ट हो, ये सब चीजों को यहाँ पे देखा जाता है. काफी ऐसी कंपनीज होती है जो भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आती है तो उनको स्टडी करती रहती है कंटिन्यूसली, उसको भी हमको केस स्टडी हो. तो चाहे अपॉर्चुनिटी हो चाहे चैलेंज हो, दोनों को एनालिसिस किया जाता है, हम लोग करते हैं कंपनी के अंदर पर्टिकुलरली, समझे? सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंपटीटर्स का कौन सा है, क्या है. सो इवन आप अपने सजेशंस भी बता सकते हो कि कैसे और ज्यादा, ये तो 50-60% ग्रोथ भाई बताया है कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई रूरल एरिया में हम लोग करें, तो ये चीज आपको क्यों बताई है. अब इतना आपको हाइलाइट्स दे दिए, केस स्टडी में जनरली क्या होता है हाइलाइट्स दिए जाते हैं, ये प्रोडक्ट है कंपनी के ऐसा है और ये कंपनी की स्ट्रेंथ्स है, ये कंपनी की वीकनेसेस है. सो सब कुछ बताया जाता है एंड देन आपको अपना दिमाग लगाकर अपने सजेशंस अपने ओपिनियंस देने पड़ते हैं, बिकॉज ऐसा ट्रीट किया जाता है यू आर द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी. सो आप अगर मार्केटिंग टीम में हो तो आप अगर पर्टिकुलर आपका कंपनी है आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से रूरल एरिया तक पहुंचाओगे, या अगर आप इन फ्यूचर चल के आपको कुछ भी आप लॉन्चिंग कर रहे हो, बिकॉज यू नो कि इंडिया में ट्रेडिशंस कस्टम्स, इंडिया 70% रूरल एरियाज इंडिया में है पर्टिकुलरली, तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया को टारगेट नहीं करना पड़ेगा. अगर हम लोगों को काफी अच्छा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए प्रोडक्टिविटी चाहिए सो ऑफकोर्स हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो रूरल एरिया में भी होना चाहिए. तो रूरल एरिया के लिए आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो. सो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, समझे? तो आगे चलकर प्रैक्टिकल में जैसे केस स्टडीज वगैरह आती रहती है हम उसको सॉल्व करते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं मैंने केस स्टडी खुद ने सॉल्व की थी, मेरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग चल रहा था यूके से, राइट? तो हम लोग केस स्टडी, क्योंकि जनरली आपको पता है कि अब्रॉड में पूरा का पूरा केस स्टडी रिलेटेड ही पूरा प्रैक्टिकल पूरा टेक्निकल नॉलेज और ये सब कुछ होता है, राइट? तो मेरे पास थी कंपनी, जैसे आइसक्रीम कंपनी, जैसे आप अमूल ले सकते हो, राइट? सो आइसक्रीम कंपनी,
सो आइसक्रीम कंपनी का हम लोगों को पूरा हाईलाइट दिया कि कंपनी ऐसे काम कर रही है, कंपनी की अपॉर्चुनिटीज ये है, कंपनी की स्ट्रेंथ ये है, कंपनी प्रीमियम ब्रांड के अपनी आइसक्रीम्स बेचती है, कंपनी के पास कितना फार्म है, सब कुछ ये बजट बताया, कंपनी का ये बजट है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई, मतलब हम लोगों को कुछ 6-7 पेजेस का ऐसे केस बनाकर दिया जाता था एंड हमारा एग्जाम ही पूरा का पूरा वो होता था। आपको बताऊं पूरा एग्जाम हम लोगों को टाइप करना पड़ता था बिकॉज आप यू नो के अब्रॉड स्टडीज में जनरली ये सब चीजें ही होती है, आपको टाइप ही करना पड़ता है आप सेंटर में जाके। ये तो चलो मैं तो अहमदाबाद थी तो ठीक है, सेंटर पे जाके हम लोगों को एग्जाम देनी होती थी और पूरा ऑनलाइन एग्जाम ही होता था। ये लोग आप अभी एमसीक्यूज वगैरह अभी ऑनलाइन देते हो एंड ऑनलाइन ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली ऑनलाइन पूरा अलग तरीका होता है। हम लोग सेंटर पे जाके एग्जाम देते थे, वहां पे ऐसा समझ मतलब ऐसा समझाया जाता था पर्टिकुलरली कि हम लोग एज अ फाइनेंशियल मैनेजर है कंपनी के, राइट, और हम लोगों को मैनेज करना है, हम लोगों को मैं बोल रही हूँ ना हम लोगों को सारा ही सब कुछ दिया जाता है, स्ट्रेंथ कंपनी की, वीकनेसेस कंपनी के बारे में, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, सब चीजें हम लोगों को 6-7 पेजेस में बताई जाती थी। एंड अब जो एग्जाम में चीज होती थी वो आता था नया क्वेश्चन। हमको क्वेश्चन कैसे आता था, जैसे आपको पर्टिकुलरली आपके बॉस का मेल आया हो, ठीक है कि ये इशू है, ये प्रॉब्लम है भाई, अब इस चीज का सॉल्व करके मुझे भेजो, ऐसी चीज होती थी। बताओ हम लोगों का क्वेश्चन ऐसे होते थे कि से फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने बोला कि मेरी आइसक्रीम कंपनी थी प्रीमियम ब्रांड की, बहुत प्रीमियम ब्रांड, यू नो द बास्किन रॉबिन्स, राइट, सो वो कितनी प्रीमियम ब्रांड की आइसक्रीम्स अपनी सेल करते हैं और कितना अच्छा उसका मार्केट है, इंटरनेशनल लेवल मार्केट है। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया था आपको पता है, हम लोगों ने इंडिया में क्या होता है आइसक्रीम इंडस्ट्री में उसका एनालिसिस किया, यूके में आइसक्रीम जितनी भी इंडस्ट्रीज है जितनी भी फैक्ट्रीज है उसका पूरा एनालिसिस किया। एग्जाम से पहले बता रही हूँ, एग्जाम से पहले, क्योंकि क्या एग्जाम में पूछेंगे हम लोगों को कुछ पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं, बट यू हैव अ 6-7 पेजेस केस स्टडी, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू एनालाइज, पूरा मार्केट एनालिसिस करो, इंडस्ट्री एनालिसिस करो, ये सब चीजें करो एंड देन यू हैव टू राइट इन योर ओन मैनर दैट यू आर द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द कंपनी। आपको बॉस से मेल आएगा एंड यू हैव टू सॉल्व दैट डाउट, सिंपली ऐसा हमारा एग्जाम होता था। सोचो इतना टेक्निकली इतना प्रैक्टिकल एग्जाम हम लोग देते थे। सो ये लास्ट में 3-4 इयर्स के बैक की स्टोरी में आपको बता रही हूँ कि हम लोगों ने ये सब किया हुआ है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन आया कि हम लोग रिटेल आउटलेट, भाई अपने को अगर मेरे को मेल आया एक मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था हम लोगों को कि रिटेल आउटलेट्स अगर हम लोगों को खोलने हो, ठीक है, सो रिटेल आउटलेट्स का हम लोग प्रमोशन कैसे करेंगे, दैट वॉज माई क्वेश्चन फ्रॉम माई बॉस। मतलब से फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्चुअली एग्जाम में हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आया था। तो जैसे मेल जैसे आता है ना आपके किसे फोन में मेल आता है उसी तरीके से पूरा आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ आता है एंड वो पूरा मेल में से आपका क्वेश्चन फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्वेश्चन कहाँ है, वो ढूंढना पड़ता है व्हाट वाज एक्चुअली द क्वेश्चन दैट इज आस्किंग। तो हम लोग पूरा उसको पढ़ते थे, हम लोग उसको सोचते थे एंड हम लोग टाइप करते थे पूरा। सो ऐसा किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनीज के अंदर, समझे। सो अभी आपको जैसे रसना के बारे में मैंने बताया, अब ये चीज आपसे पूछी जाए कि अब और ज्यादा, ये तो एक्सपेक्टेशन है कि 50-60% ग्रोथ करना, हाउ कैसे हम लोग करेंगे 50-60% ग्रोथ, प्लीज लिस्ट आउट सम ओपिनियंस। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम लोगों को पर्टिकुलरली रसना का अगर रिटेल आउटलेट अपने को अगर ओपन करना हो रूरल एरियाज, सो ये चीज आएगी। जैसे मैंने आपको बताया सीसीडी के बारे में आपको पता है, राइट, अब सीसीडी को मेरे को रूरल एरिया में लेके जाना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं,
इफ आई वॉन्ट टू ओपन अ सम कैफे, एनी कैफे इन रूरल एरिया, तो मैं कैसे उसको ले जाऊंगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी? तो ये हमारी पूरी मार्केटिंग टीम, हमारा पूरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इस चीज को सोल्व करेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज है, राइट? तो अगर ये चीज मुझे करनी हो, रूरल लाइफस्टाइल को मेरे को चेंज करना हो भाई, और मेरे को वहां पर वैसा अर्बन एरिया वाला लाइफस्टाइल ले आना हो, और मुझे कैफे और ऐसा सब कुछ ओपन करना हो, कैसे करेंगे? सो दैट वॉज द प्रॉब्लम, दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम, समझे? तो ऐसा बहुत सारी चीजें होती है. सो हम लोगों से भी ये सब चीजें पूछी जाती थी. देन से फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने केस स्टडी का एग्जाम दिया हुआ है, तो उसमें पूछा गया था मेरे से क्वेश्चन कि कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है. से फॉर एग्जाम्पल, अभी कंपनी आइसक्रीम्स प्रीमियम ब्रांड की, उसको नया प्रोडक्ट लेकर आना है, दैट इज चॉकलेट. तो चॉकलेट रिलेटेड प्राइसिंग बताओ, प्राइसिंग सेट करो, यू आर द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द कंपनी. उनको ऐसा सब क्वेश्चन होता था. सो हम लोगों को पूरा वो पढ़ते थे हम लोग, और फिर हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ता था सारी चीजें. ऐसा सब चीजें केस स्टडी के अंदर, ये सब केस स्टडीज ही है. केस स्टडी का मतलब ही होता है कंपनी में, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप करो ना कभी, तो आपको देखो पता ही होता है सब चीजें, सिचुएशंस, ये वो सब कंपनी के बारे में पता होता है. अब क्या किया जाता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप अपने व्यूज बताओ, आप अपने सजेशंस बताओ उस चीज के ऊपर. तो वो सजेशंस को आप, सजेशंस आप बताओगे, आपका बॉस वो देखेगा, उसको सही लगेगा तो वो उसके ऊपर काम करना चाहेगा. ऐसी सब चीजें होती है. आप एमबीए करोगे आगे चलकर फॉर एग्जांपल, तब भी आपको होगा. इंटर्नशिप में क्या होता है बताओ मेरे, इंटर्नशिप में ये सब चीजें तो करवाते हैं, ये सब के भाई रिटेल आउटलेट्स तक अगर अपने को पहुंचना हो, उनका देखना हो कि उनकी सेल्स क्यों कम हो गई, या हमारे पर्टिकुलर कंपनी की सेल्स क्यों डाउन हो गई है, रिटेल आउटलेट्स पे क्या ऐसा हुआ है, रिटेलर्स ने हमारे से लेना क्यों बंद कर दिया है, दैट इज अ प्रॉब्लम, यू हैव टू सॉल्व इट भैया, आप कंपनी के मैनेजर हो तो. सो चाहे मार्केटिंग हो, चाहे एम्प्लॉयज रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्शन रिलेटेड हो, एवरीथिंग, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो अराइज होता ही है. ऐसा क्यों है भाई, तो उसके रिलेटेड अपने को सॉल्यूशन तो करना ही पड़ता है, समझे? तो केस स्टडीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. और केस स्टडी से क्या होता है, आपका दिमाग वाइडन होता है, आप सोचने लगते हैं, आपके दिमाग में प्रेशर आता है कि यार ये कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, सब सोचते हो. और फिर आप अपना सजेशन रखते हो कि जैसे आप खुद, ऐसा हम लोगों को इमेजिन करना पड़ता है कि हम लोग कंपनी के मैनेजर है, हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर है, हम लोग कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर है, ऐसा अपने को फील करवाना पड़ता है, और फिर हम लोगों को उस चीज का सॉल्यूशन ले आना पड़ता है. वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में किसी कंपनी में आप हो मैनेजर और आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन एमबीए में और फिर आप कोई भी अब्रॉड स्टडीज करते हो या क्या, हमारे गुजरात में या फिर हमारे इंडिया में बहुत ऐसा रेयर किया जाता है, बट एब्रॉड में बोल रही हूँ ना, एब्रॉड स्टडीज में आप जनरली इसी तरीके का हम लोगों को एग्जाम देना पड़ता है. बोलो कोई ऐसा बुक है, बुक के अंदर क्वेश्चंस है या आईएमपी है, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है. बस आप कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर ऐसा इमेजिन करो, एंड प्लीज गिव द सजेशंस रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम, दिस इज द वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर यू. और ये सब सजेशंस के ऊपर आपका प्रमोशन और ऐसी सब चीजें डिसाइड होती है कि आप कितना, आपका, आपके अंदर कितना अच्छा लेवल ऑफ आईक्यू है, आपका एप्टीट्यूड लेवल कैसा है, आपकी मेंटल एबिलिटीज कैसी है, आप कितना दूर तक सोच सकते हो, ये सब क्वालिटीज शो करती है. तो आप सजेशंस डालोगे, सॉल्यूशंस निकालोगे ना. आज डॉक्टर्स है, वो एक्सपर्ट्स है ना, क्यों बोलते हैं हम लोग उनको एक्सपर्ट्स, क्योंकि वैसा वो सोल्यूशन ले आते हैं, ठीक कर लेते हैं भाई, उस वजह से वो लोग एक्सपर्ट्स हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं भाई अपने चीज में. सेम एज इट इज प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीजें होती है,
आप ऐसा समझो कि आप रसना कंपनी के मैनेजर हो गए, आपको अगर बोला जाए कि आपको रूरल एरिया से रिलेटेड और ज्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना है और ज्यादा मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी है, सो प्लीज सजेस्ट सम टाइप ऑफ प्रमोशनल स्कीम्स और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स और एनी स्क्रिप्ट रिलेटेड टू द एडवर्टीजमेंट, ये सब चीजें सजेस्ट करनी पड़ती है अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट राइट या आप अगर एचआर डिपार्टमेंट में हो. So, employees related, क्या किया जाए? Because आप वो लेवल पे नहीं हो, आपका बॉस आपसे पूछेगा या सीईओ कंपनी पर्टिकुलर जो सीईओ होगा वो पर्टिकुलर पूछेगा कि भाई इस साल एम्प्लॉयज रिलेटेड क्या और अच्छा किया जाए, कैसे सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ाया जाए एम्प्लॉयज रिलेटेड, या एम्प्लॉयज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, अब स्ट्राइक हो गई एम्प्लॉयज की या एम्प्लॉयज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, so what is the reason, you have to find out. So ye sab cheeze karni padti hai, boss ka mail aa jata hai and sab cheeze karo simply. theek hai, so aapko samajh mein aaya ki case study kya hai, kaise kiya jata hai, kaise questioning hota hai, kaise solve out karte hain. ab next session mein main aapko sikhaungi developing case study kaise develop ki jati hai aur kaise solve ki jati hai. ठीक है, मैंने आपको जस्ट एक मैंने फाइनली प्रैक्टिकली मैंने आपको बता तो दिया कैसा सब चीजें होता है. ओके okay.